का हेल्दी मेडिकल टिप्स में। दोस्तों जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आज बात करने वाले हम सिफेक्सिम टैबलेट 200 mg। तो दोस्तों इसका क्या काम होता है, इसका हम टोटली ब्रीफली आप लोग समझाने वाले हैं। तो वीडियो हमारा बहुत वैसे भी छोटा होता है, तो प्लीज़ अगर नए हैं तो आप वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों ये मेनली एंटीबायोटिक ड्रग्स है सिफेक्सिम। आप जानते जेंटामाइसिन वगैरह, मतलब इस तरीके से जो होती हैं सिफेक्सिम क्लेवम, तो ये सब एंटीबायोटिक ड्रग्स है, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं। सिफेक्सिम कॉम्बिनेशन पहले हम दिखा देते हैं। सिफेक्सिम IP इंडियन फार्माकोपिया हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि सिफेक्सिम 200 mg, मतलब सिफेक्सिम सिंगल सिफेक्सिम ही केमिकल इसका नाम है, उसी नाम पे ये मेडिसिन बनी हुई है। और ये शेड्यूल H1 की ड्रग्स है, तो डायरेक्ट इसे न लें, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का हो तभी लें। दोस्तों इसे आप डायरिया वगैरह होता है उस पर लोग यूज़ करते हैं जैसे मेनली, और जैसे कि आपको मतलब कोई चोट या जैसे कि इन्फेक्शन होता है जहाँ पे कोई घाव वाव पे, तो उस पर इसे यूज किया जाता है। घाव हो, किसी तरीके का घाव होता है, एब्सेस हो जाता है, तो इसे यूज करते हैं। सर्दी भी किसी किसी को लग जाती है, तो मतलब चेस्ट इन्फेक्शन होता है कोल्ड वगैरह, उसमें भी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो दोस्तों ज़्यादा इसका एंटीबायोटिक खुद ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं है। और इफ़ेक्ट की बात करें तो बता दिए हैं, जैसे कि घाव है बहुत जल्दी सुखाता है, अगर कोई चोट वोट लग जाती है तो ये इसे दी जाती है, ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर इसे लिखते हैं। कहीं इन्फेक्शन होता है, उंड होता है, मतलब जैसे कि दांत में भी बहुत ज़्यादा जैसे घाव हो जाते हैं, तब भी इसे डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं। इस तरीके के इसके काम है। और बाकी अगर इसके बारे में अब इसकी बात कर लेते हैं, ये कॉस्ट इसकी पड़ती है 100 रुपये के लगभग 10 टैबलेट्स, थोड़ा कॉस्टली पड़ती है, लेकिन बाकी इसकी सिप्ला कंपनी की है, बहुत अच्छी। और बहुत भी कंपनी की आती हैं, जीफी सिफेक्सिम सीफी वगैरह लिखा होता है, उस हिसाब से इसके बहुत से नाम ब्रांड में मार्केट में मिल जाते हैं। अब मैटर करता है इसका यूज किसको किसको करना चाहिए। सिफेक्सिम की दोस्तों टैबलेट भी आती है, सिफेक्सिम की सिरप भी आती है, सिफेक्सिम ओ भी आता है, ओलवेंडाजोल मतलब होता है, सिफेक्सिम के इंजेक्शन भी आपने देखा होगा, टॉक्सिन वगैरह लगाते हैं तो उसमें ये इंजेक्शन भी काम आता है। जैसे बच्चों को जैसे कहते हैं निमोनिया हो गया है, उसमें भी ये काम आता है। और इसके 100 ml की सिरप भी आती है, 50 ml की भी सिरप आती है। सिरप भी हम अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता, फीवर आ जाता है, फीवर में इसे दिया जाता है। सिफेक्सिम बहुत मेनली यूज होता है, फीवर में भी इसका आता है। तो दोस्तों ये बच्चों को भी काम आता है और बूढ़ों में, सब में इसके डोजेस बस चेंज होते हैं। और ये बहुत पेटेंट ड्रग्स है, बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। और अगर इसके बारे में कुछ जानना तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो पर अगर नए आए हैं चैनल पर, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।